हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में करंट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ करंट ओपनिंग में फर्स्ट नंबर पे है टेक्नीशियन एसएनटी की डिटेल्स दी गई है। यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 04/2023 दिया गया है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड परमानेंट पोजीशन, दो तरह की वैकेंसी इसमें फिल की जा रही है एंड 31 मई 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी देख लेते हैं। टेक्नीशियन एस एन टी में यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसी दी गई है। सैलरी यहाँ पर आईडी पैटर्न में मिलेगा जो कि NE 235,000 से लेकर 110,000 पर मंथ होगा। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर अगर आपके पास ITI इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में है या IT में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में मांगा गया है एंड एज की बात करें तो यहाँ पर 20 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होने वाला है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर SNT में यहाँ पर 8 वैकेंसी है। यहाँ पर भी सेम सैलरी है, यानी 4 लेवल की है। अगर आपके पास BE BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर IT में तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। 20 से 45 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड सेक्शन बी में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी फिल की जाएगी। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 ईयर्स का रहेगा जो कि 2 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 5 ईयर्स का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एज की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक एज की काउंटिंग की जाएगी जो कि 20 से 35 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी है एंड सभी में E2 लेवल की सैलरी है जो कि IT पैटर्न में मिलेगा। 50,000 से लेकर 1,60,000 है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा BE BTEC सिविल में है, साथ ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग में 2 वैकेंसी है, यहाँ पर भी BE BTEC सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है एंड सेम 4 ईयर का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में 2 वैकेंसी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास MBA HR या MSW है या मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है एंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर सिविल में यहाँ पर 12 वैकेंसी है, यहाँ पर भी BE BTEC सिविल में मांगा गया है। अगर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में भी 21 वैकेंसी है यहाँ पे। अगर आपके पास डिप्लोमा BE BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सभी में जॉब प्रोफाइल दी गई है, वे डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सेकंड स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा एंड थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एंड यहाँ पर कहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए 400 की एप्लीकेशन फ़ीस है।
SC/ST/PWD वोमेन के लिए किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो आप इसे 31 मई तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप यहाँ से कॉल करके हेल्पलाइन पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे पहले। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स फुल नेम, उसका मोबाइल नंबर कंफर्म करके, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस मेंशन करके आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका कैप्चा को फिलअप करके आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन पर जाना है। यहाँ से यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल आईडी पर आ जाएगा, वहाँ से आप इसे लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। 31 मई 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट इसमें दी गई है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।